हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रियांशु रंजन, एमएबीएस थर्ड ईयर, आईजीएमएस पटना। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का जो चॉइस प्रेफरेंस का जो डेट है वो आ चुका है। आज से आपका जो चॉइस प्रेफरेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और आप जो चॉइस फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेज भी अलॉट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरे काउंसलिंग का, मेरे अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग होता है, क्योंकि इसी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज भी अलॉट होगा। अगर आपने ऊपर कोई छोटे लोअर रैंक के कॉलेज को रख दिया हुआ है तो आपको फर्स्ट राउंड में वही अलॉट हो जाएगा, और उसके बाद आप वहां से अपग्रेड भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा कोशिश करना होता है कि आपका रैंक कुछ भी हो, लेकिन आपका जो टॉप प्रेफरेंस है वो हमेशा एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, हायर रैंक का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ना कि आप, अगर आपका रैंक कम है तो आपको पता है कि पहले से, अच्छा मुझे जीएमसी बेतिया मिलेगा या जीएमसी पूर्णिया मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीएमसी बेतिया और पूर्णिया को सबसे ऊपर रख देंगे। अपना जो चॉइस प्रेफरेंस को रेडी करना है वो आपको हायर टू लोअर ही करना है, मतलब जो आपका अच्छा कॉलेज है वहां से आपको लोअर कॉलेज की तरफ ही करना है। तो ये तो मतलब मैंने ऐसे डिस्कशन कर लिया चॉइस प्रेफरेंस के बारे में। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको पूरा का पूरा चॉइस प्रेफरेंस दिखाऊंगा एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए। बीडीएस में ज्यादा कुछ नहीं है, दो ही कॉलेज ही है। तो एमबीबीएस कोर्स में लिए हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपका चॉइस प्रेफरेंस अरेंज करने का। मैं आपको पूरा एकदम प्रॉपर चॉइस प्रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे दूंगा, ताकि आप जब अपना चॉइस प्रेफरेंस बनाए तो आपको उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस कॉलेज में मुझे जाना चाहिए, इस कॉलेज में मुझे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग एक चॉइस प्रेफरेंस बना करके दे दूंगा तो हो सकता है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल नहीं हो। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चॉइस प्रेफरेंस बनाना है, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कॉलेज से। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट एमबीबीएस। तो सबसे पहले हम लोग दो कॉलेज को डिस्कस करेंगे, हालांकि ओवरव्यू में आपको आइडिया दे देता हूँ। सबसे ऊपर मैंने जो है, ये जो चार कॉलेजेस हैं इसमें मैंने आपको टॉप कॉलेज को रखा हुआ है, फिर ये जो होगा ये मीडियम लेवल के कॉलेज होगा, और यहाँ पर जो है आपको कुछ लो लेवल के कॉलेज देखने मिलेंगे। ठीक है, तो टॉप कॉलेज में मेनली चार कॉलेज को हम लोग डिस्कस करेंगे, आईजीएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच और डीएमसीएच को। ठीक है, तो आईजीएमएस को मैं प्रेफर करता हूँ, बस इसमें एक थोड़ा सा डिमेरिट कह सकते हैं, वो है इसका फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है आईजीएमएस फीस स्ट्रक्चर मिड लाइफ डिजायर, तो मेरा जो वीडियो आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 4 साढ़े 4 लाख का जो फी है वो आईजीएमएस में आपको लग जाएगा पूरा डिग्री कंप्लीट करते करते, और पीएमसीएच में आपका 1 से 1.5 लाख मैक्स टू मैक्स लगेगा और आपका डिग्री इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आईजीएमएस का यूनिवर्सिटी का बात कर ले तो आईजीएमएस के पास अपना सेपरेट यूनिवर्सिटी है, पीएमसीएच और बाकी बिहार के सारे मेडिकल कॉलेजेस का एक यूनिवर्सिटी है, मतलब वो सारे एक यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट होते हैं। आईजीएमएस का इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर ले तो पीएमसीएच से अभी बेटर है, पीएमसीएच अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है आपका जब बैच पहुंचेगा, जब तक वो इंटर्नशिप पहुंचेगा तब तक आपका जो पीएमसीएच है वो भी अच्छा सा वेल फर्निश्ड बन जाए। अब अगर पेशेंट फ्लो का बात कर ले तो पीएमसीएच में थोड़ा सा आपको ज्यादा पेशेंट फ्लो देखने मिलेगा, रीजन भी है कि वहां पर बहुत सस्ते में जांच हो जाता है, लेकिन आईजीएमएस थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, मतलब ₹50 लगता है यहाँ पर पेशेंट को दिखाने का ओपीडी में। ठीक है, इसके बाद एकेडमिक्स का बात कर ले तो एकेडमिक्स, मतलब मैं आईजीएमएस का तो बता ही दूंगा, पीएमसीएच में भी थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे, तो आईजीएमएस का एकेडमिक्स मतलब मैं आपको बता दूं, सुबह 8 से 5 आपका क्लास होगा फर्स्ट ईयर में तो होगा ही, मतलब इसमें कोई कमी नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कि कोई टीचर नहीं आता है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लास होगा, आपका डेली क्लास होगा, आपका प्रैक्टिकल क्लास होगा, हर चीज़ जो है मतलब आपका शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरा पूरा किया जाएगा। पीएमसीएच में भी होता है फर्स्ट ईयर में क्लासेस, पीएमसीएच में एक्चुअली क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 है अभी इस साल से, आईजीएमएस से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 से बढ़कर 150 हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी 150 स्टूडेंट्स आएंगे और पीएमसीएच में ऑलरेडी 200 स्टूडेंट्स होते हैं, तो थोड़ा स्टूडेंट्स का भी वहाँ पे ज़्यादा लोड रहता है, और यहाँ पे भी कम स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा ज़्यादा मतलब ईजी पड़ता है स्टूडेंट्स और टीचर को इंटरेक्ट करना या फिर कोई भी क्लासेस को कंडक्ट कराना, और प्रैक्टिकल में सबको मतलब देखने मिलना, डाइसेक्शन जो होता है तो उसमें भी काफ़ी भीड़ हो जाता है, तो मतलब सबको ईजिली देख पाता है, कम स्टूडेंट्स रहेंगे तो ही नहीं देख पाओगे, और ज़्यादा भीड़ रहेगा फिर ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो दिखेगा ही नहीं, मतलब बहुत चीज़ होता है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी डिटरमाइन करता है। एकेडमिक्स हो गया, क्लिनिकल एक्सपोजर का बात कर लो तो आपका फर्स्ट ईयर से ही आईजीएमएस में क्लिनिकल एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है। स्पोर्ट्स का बात कर लो, फेस्ट का बात कर लो, इवेंट्स का बात कर लो, तो आप सब जाकर के मेरे यूट्यूब के देख सकते हैं कितना सारा हमारे यहाँ स्पोर्ट्स होता है, कितना सारा हमारे यहाँ इवेंट्स होते हैं। हमारा कॉलेज का जो एनुअल फेस्ट है सेरेवेक्सिया वो हर साल होता है, पिछले साल हमने अरमान मलिक को बुलाया था, इस साल भी होपफुली हम लोग का जो सेरेवेक्सिया है वो लगभग 25 से 27 अक्टूबर में होने वाला है। तो अगर आप आईजीएमएस आते हैं तो यहाँ पर भी कोई सेलिब्रिटी आएगा, और आपका जो क्लासेस है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है तो आप भी उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब एंजॉय कर पाएंगे, एंटरटेनमेंट होगा आपका कॉलेज आते आते। पीएमसीएच और आईजीएमएस में मतलब आई विल प्रीफर आईजीएमएस देन पीएमसीएच।
वीडियो में एक छोटा सा एड ब्रेक लेकर के मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप या फोन कॉल पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक ऑप्शन अवेलेबल करके रखा हुआ है। आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक देखने मिलेगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो गूगल फॉर्म है वो ओपन अप हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक अ मीटिंग। तो सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ द मीटिंग आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला जो पॉइंट है वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें जो भी मर्जी हो पूछ सकते हैं, मतलब आपको जो भी डाउट है कॉलेज के रिगार्डिंग। जैसे कि आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा होगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रैगिंग वैगिंग सब कुछ देखने मिला होगा। तो क्या होता है कि बहुत कुछ हम लोग ओपनली यूट्यूब पे नहीं जाकर के बोल सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ जो है आपको मतलब फोन कॉल या वन टू वन जब इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पर इजिली मैं आप सभी को कन्वे कर दूंगा कि हाँ कौन से कॉलेज में क्या चलता है, कैसा सीन होता है। तो कॉलेज के बारे में हो गया, एकेडमिक्स के बारे में हो गया, वहाँ का एनुअल फेस्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और क्लिनिकल पोस्टिंग हो गया, ओपीडी, कितने पेशेंट फ्लो है, क्या होता है, कैसे नंबर, मतलब बहुत कुछ है कि आपको फर्स्ट ईयर में कैसे मतलब कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्या चीज होता है, मतलब मेडिकल लाइफ के बारे में आपको ओवरऑल पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा। और इन्हीं सब बातों को मैंने अलग अलग पॉइंट्स में जो है 7 पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है। इसके लिए आप सभी को मेरे यूपीआई आईडी पे आपको 299 का जो अमाउंट है, काफी मिनिमम अमाउंट पेन रखा हुआ है, बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, 299 अमाउंट आपको मेरे यूपीआई आईडी पे आपको पे करना है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म जो है वो फिल करना है। आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा नेम, ईमेल, फोन नंबर, आपका जो डाउट है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और कुछ जो मेंशन नहीं भी करेंगे तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल पे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और आपको जो पेमेंट करेंगे आपको उसका स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप पेड मीटिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन का प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कीजिए, इन सब का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एनएमसीएच और डीएमसीएच के बारे में। तो एनएमसीएच का मैं बात कर लूँ तो एनएमसीएच में मुझे एक डिमेरिट ये लगता है कि यहाँ पर जो है आपका कॉलेज अलग है और हॉस्पिटल थोड़ी दूर पर है, 1-2-3 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस है आपको मिलेगा, मतलब दूर है हॉस्पिटल, मतलब कैंपस से बाहर है, आपको मेन रोड पकड़ कर अगम कुआं तक जाना पड़ेगा आपको, और भूतनाथ रोड के पास आपका एनएमसीएच आपका है कॉलेज, और हॉस्पिटल आपको अगम कुआं के पास देखने मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगता है, मतलब अगर आपका पोस्टिंग रहेगा तो आपको बार बार ऑटो या फिर बाइक या फिर ई रिक्शा, मतलब जो भी आपके पास ट्रांसपोर्ट मीडियम अवेलेबल है आपको वहां से जाना पड़ेगा। लेकिन डीएमसीएच में ये चीज़ नहीं है, आपका एक ही कैंपस में सब कुछ है, ठीक है। और अब बात यह है कि एनएमसीएच जो है वो कैपिटल सिटी में भी है, लोकेशन भी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट फ्लो रहेगा एज कम्पेयर टू डीएमसीएच। लेकिन आपका एकेडमिक वाइज दोनों लगभग लगभग बराबर ही रहता है, क्योंकि दोनों का दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट होता है, एक ही यूनिवर्सिटी दोनों का है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ मिड रेंज के कॉलेज का, जैसे कि भागलपुर हो गया, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर हो गया, और उसके बाद आपका कौन सा कॉलेज हो गया, गया का कॉलेज हो गया, ठीक है। तो ये सारा जो कॉलेज काफी पुराना कॉलेज है, मुझे फर्स्ट राउंड में एसकेएमसीएच जो है वो अलॉट हुआ था मुजफ्फरपुर, उसके बाद मुझे सेकेंड राउंड में अपग्रेड होकर के मुझे आईजीएमएस मिल गया था, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया का। ओल्ड कॉलेज है, सब के सब ओल्ड कॉलेज हैं, कोई भी इसमें न्यूली एस्टेब्लिश नहीं है। तीनों कॉलेज हैं, मतलब तीनों मतलब अच्छे अच्छे ही कॉलेज है, कोई कॉलेज खराब नहीं है इसमें से, मतलब मिड रेंज में तीनों के तीनों अच्छे कॉलेज है। अब आप अगर भागलपुर के रहने वाले हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप भागलपुर जाइए, अगर आप मुजफ्फरपुर के पास रहने वाले हैं तो आप एसकेएमसीएच को प्रेफर कीजिए, अगर आप गया के रहने वाले हैं या फिर उस एरिया के रहने वाले हैं तो आप उस गया वाले कॉलेज को प्रेफर कीजिए। मतलब यहाँ पर जो है अगर आप भागलपुर जाएंगे या एसकेएमसीएच जाएंगे या फिर गया जाएंगे तो आपको इन तीनों कॉलेजेस में मतलब ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर लोकेशन को प्रेफर करिएगा, ये मेरा सजेशन है, आपका मर्जी, आप भागलपुर को ऊपर रखिए, एसकेएमसीएच को ऊपर रखिए। इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपको एक प्रॉपर चॉइस प्रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा, आपको मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ देखना है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लोकेशन देखना चाहिए, क्योंकि एकेडमिक्स लगभग सबका यहाँ पर बराबर रहेगा, और आपको यहाँ पर जो पोस्टिंग वोस्टिंग सबका एक ही कैंपस भी है, मतलब यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, बस आपको लोकेशन का फर्क। अब बात कर लेते हैं कुछ लोअर रेंज के कॉलेजेस का। लोअर रेंज में आपको जीएमसी बेतिया देखने मिलेगा, बिम्स पावापुरी देखने मिलेगा, और आपको यहाँ पर फिर मध्यपुरा का कॉलेज हो गया, जीएमसी पूर्णिया हो गया, ईएसआईसी बीटा। इन लोग को मैंने लोअर रेंज में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये जो है उतने पुराने कॉलेज नहीं है, ठीक है। जीएमसी बेतिया का मैं बात कर लूँ, ये थोड़ा पुराना कॉलेज भी है जीएमसी बेतिया में, लेकिन अभी जो है वो मतलब क्लासेस काफी उतना एकेडमिक्स जो है वो अच्छा नहीं है, आपको थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आपको उतना क्लासेस नहीं लगते हैं, मतलब वहीं के स्टूडेंट से मेरे बात हुई थी। फिर पावापुरी की अगर मैं बात करूँ तो पावापुरी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ठीक है, एकेडमिक्स भी ठीक ठाक है यहाँ पर। फिर इसके बाद मैं मध्यपुरा का बात कर लूँ, मतलब ये तीनों के तीनों लगभग एक रेंज के कॉलेज हैं। फिर ईएसआईसी बीटा और जीएमसी पूर्णिया का बात करें तो ईएसआईसी बीटा में जो पहला बैच है वो 21 बैच ही है, मतलब जो मेरा बैच है 21 बैच,
वही अभी वहाँ का पहला बैच है। तो जीएमसी पूर्णिया ये अभी जस्ट खुला ही है, तो इसमें तो आपको एकदम न्यूली बैचेस ही मिलेंगे। और जीएमसी पूर्णिया मतलब अभी जस्ट रिसेंट का मतलब बिहार का मोस्ट रिसेंट ओपन एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज है, वो जीएमसी पूर्णिया ही है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको नीचे रखा हुआ है और ईएसआईसी को भी नीचे रखा हुआ है। ईएसआईसी में एक और चीज़ है, आपको थोड़ा सा फी का जो है यहाँ पर देखने मिलेगा, यहाँ पर भी जो है फी थोड़ा क्या आपका हाई है। ठीक है, लेकिन जीएमसी पूर्णिया में आपको थोड़ा फी कम देखने मिलेगा क्योंकि प्रॉपर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो ये आपका जो ओवरऑल जो डिस्कशन हो गया आपका पूरा का पूरा एमबीबीएस चॉइस प्रेफरेंस के बारे में, अब थोड़ा सा जो है वो बीडीएस की तरफ देख लेते हैं। तो बीडीएस में आपको दो कॉलेज ही है, आपको पटना डेंटल कॉलेज ऑब्वियसली आप इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि ये पुराना कॉलेज है, यहाँ का पेशेंट फ्लो ज़्यादा बेटर होगा, एकेडमिक्स थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूली ओपन जो आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। ये जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है इसमें आपको 23 जो बैच है आपको वो आपको फर्स्ट बैच देखने मिलेगा, आप लोग जो आ रहे हैं वो 24 बैच है, तो 23 जो बैच है इसमें वो फर्स्ट बैच ही है। तो आपका जो बीडीएस का प्रेफरेंस है वो भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये था आपका ओवरऑल डिस्कशन आपका चॉइस प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन का प्रॉपर यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मैंने इन सब चीज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि काफी सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि उन्हें अपना चॉइस प्रेफरेंस को कैसे अरेंज करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच गाइस।